तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में बताने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप जो नेट बैंकिंग का यूजर आईडी भूल चुके हैं और आप उसको फॉरगेट कर रहे हैं तो आप एक एरर दिखाई दे रहा होगा, आपको यहाँ डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि सबसे पहले हम इस एरर के आपको यहाँ स्क्रीन शॉट रखकर यहाँ दिखा दें। तो देखिए दोस्तों, इसी एरर के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आपको यहाँ डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा होगा, प्लीज़ इंटर द मोबाइल नंबर रजिस्टर विथ इंटरनेट बैंकिंग। देखिए दोस्तों, एरर आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इसी एरर के बारे में बात करने वाले हैं कि इस एरर को कैसे सॉल्व किया जाए और आपका जो फॉरगेट कैसे किया जाए अपना नेट बैंकिंग का यूजर आईडी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को शुरू करके इस वीडियो में आपको सारा डिटेल भाई डिटेल बताते हैं कि मैं खुद कस्टमर केयर से बात किया और जो बैंक वाले से जाकर पूछा तो सारा डिटेल मुझे दिया और मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले यहाँ लॉग इन करके आपको लॉग इन वाले पेज पर चल के आपको यहाँ दिखाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ फॉरगेट यूजर नेम पर क्लिक करके फॉरगेट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम यहाँ फॉरगेट करके और आगे का प्रोसेस जो भी है आपको दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसे ही फॉरगेट पर क्लिक करते हैं उसके बाद देखिए दोस्तों कुछ एरर आए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, उसके बाद जैसे कि आपको यहाँ तक पता ही होगा। उसके बाद चलिए दोस्तों, फिर फॉरगेट यूजर नेम पर क्लिक करके उसके बाद नेक्स्ट आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं उसके बाद देखिए दोस्तों, आपको यहाँ जैसे सी एफ नंबर डालना होगा। चलिए दोस्तों, हम सेम प्रोसेस करके आगे का प्रोसेस जो भी हम बताते हैं, क्योंकि पहले हम बता दें कि आपको जो भी प्रॉब्लम हो रहा है लाइव, उसी के बाद आपको इसके प्रॉब्लम का इलाज सोल्यूशन बताएंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको सी एफ नंबर यहाँ डाल देना होगा। जैसे कि आपको पासबुक को दिया रहता है सी एफ नंबर, तो चलिए दोस्तों सी एफ नंबर डाल देने के बाद आपको यहाँ अकाउंट ही चुन लीजिएगा जो भी आपका अकाउंट है। उसके बाद आपको यहाँ मोबाइल नंबर डाल लीजिएगा जो भी आपका अकाउंट नंबर मोबाइल नंबर लिंक है। तो चलिए दोस्तों, मोबाइल नंबर डाल देने के बाद इस कैप्चा को आपको फिलअप कर देना होगा। जैसे कैप्चा दिया गया है वैसे ही आपको कैप्चा को फिलअप कर देना होगा। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना होगा। जैसे सबमिट पर क्लिक करते हैं उसके बाद देखिए दोस्तों, फिर वहीं एरर आ रहा है जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है। चलिए दोस्तों, यहाँ प्लीज़ इंटर द मोबाइल नंबर रजिस्टर विथ इंटरनेट बैंकिंग। देखिए दोस्तों, यहाँ बोल रहे हैं कि आपका मोबाइल नंबर जो भी मोबाइल नंबर डाल रहे हैं फॉरगेट कर यूजर आईडी फॉरगेट करते समय में जो भी अपना मोबाइल नंबर डाल रहे हैं जो वो आपका बैंक अकाउंट में लिंक नहीं है यहाँ आपको बता रहा है, जबकि आपका बैंक अकाउंट में जो वहीं आपका जो मोबाइल नंबर लिंक है और सारा मैसेज वैसेज आता होगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बता दें कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, मैंने खुद कस्टमर केयर से जाकर पूछा है, मैंने हमारा भी ये प्रॉब्लम हो रहा था तो हमारा कैसे सॉल्व हुआ। तो देखिए दोस्तों, आपको क्या करना होगा। देखिए, मान लीजिए आपका जो नेट बैंकिंग का पोर्टल होता है वो अलग होता है और जो आपका स्टेट बैंक का पोर्टल होता है वो अलग होता है। तो देखिए दोस्तों, आपका स्टेट बैंक का मोबाइल नंबर लिंक है, बात सही है आपका, लेकिन आपका जो भी इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल है जो कि आप फॉरगेट कर रहे हैं, आपका इंटरनेट बैंकिंग SBI का नेट बैंकिंग पोर्टल है, उस पोर्टल में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है। क्योंकि रजिस्टर था पहले, लेकिन आपका जो बैंक वाले ने आपका नेट बैंकिंग डीएक्टिवेट कर देने के कारण आपका जो यहाँ बोल रहा है कि आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है, इसी की वजह से आपको यह प्रॉब्लम आ रहा है। और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे है, तो चलिए दोस्तों, इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन दो सोल्यूशन मैं बताऊँगा, एक घर बैठे और एक ब्रांच में जाकर। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपको ब्रांच में जाकर आपको ये बोलना होगा कि आपको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है, आपको जो एप्लीकेशन यानी जो भी एरर आ रहा है तो इसको स्क्रीन शॉट करके आपको बैंक वाले को दिखाना होगा। तो आपका जो भी एरर आ रहा है वो सॉल्व कर देंगे, या तो अपना घर बैठे करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको जो अकाउंट नंबर और CIF नंबर और आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो आपको मोबाइल नंबर कमेंट में आपको डाल देना होगा। आपको नाम के साथ में अपना डाल दीजिएगा, ये नाम है अकाउंट नंबर CIF नंबर और अपना मोबाइल नंबर। मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए, क्योंकि स्टेट बैंक से मेरा जान पहचान है और मेरे बंदे एक जो स्टेट बैंक में काम करता है उसके जरिए मैं कर पाऊंगा। तो कर पाऊंगा आपको कमेंट में आप बता दीजिएगा, यानी दे दीजिएगा, मैं आपको कमेंट बता दूंगा होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि हो जाए। आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और आपका जो आपको यानी ब्रांच जाकर आप चेंज कर सकते हैं, या आपको यही तरीका है जो मैं कमेंट में आपको बता दीजिएगा आपका अकाउंट नंबर, मैं इसके जरिए कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर दीजिएगा, उसका जवाब जल्द मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो